हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं CKPS स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं छोटू कुमार। आज का जो मेरा क्लास होगा, क्लास 12th का जो कि है आर्ट्स ऑनर्स का जो कि है इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि स्टडी से रिलेटेड मेरा कोई भी वीडियो होता है तो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो मैं जो कि इधर जो कि 25 नंबर क्वेश्चन तक का मैंने बात कर लिया था, तो इस वीडियो में जो कि 26 नंबर क्वेश्चन से हम बात करेंगे। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, करा कि घिसा भट्ट बी किस में सम्मिलित रहता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में GNPMP, ऑप्शन बी में NNPMP, ऑप्शन सी में NNPFC, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 26 का जो मैं राइट आंसर बता देना चाहूँगा कि घिसावट बी किस में सम्मिलित रहता है, तो GNPMP में जो कि है घिसावट जो कि है सम्मिलित रहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन है, करा कि तृतीय द्वितीय क्षेत्र में निम्नांकित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है। तो ऑप्शन ए में दिया गया बीमा, ऑप्शन बी में जो कि है विनिर्माण मार्न, और ऑप्शन सी में व्यापार, ऑप्शन डी में बैंकिंग। तो द्वितीय क्षेत्र में निम्नांकित में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है, तो 27 का राइट आंसर बता देना चाहूँगा कि ऑप्शन ए होगा बीमा, जो है द्वितीय क्षेत्र में जो कि है सम्मिलित है। ठीक है, सीमा, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28वां क्वेश्चन है, करा राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए में हस्तांतरण भुगतान, ऑप्शन सी में शेयर और ब्रांड की बिक्री से प्राप्त राशि, ऑप्शन सी में काले धंधे से प्राप्त आय, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 28 का जो मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 28 का जो मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा, हस्तांतरण भुगतान जो होता है राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में सम्मिलित किया गया था, जो कि हस्तांतरण भुगतान को सम्मिलित किया गया है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 29वां क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित में किससे किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए में क्रिंस, ऑप्शन बी में रॉबर्टसन, ऑप्शन सी में मार्शल, ऑप्शन डी में हैटे। तो निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिससे चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, तो ऐसा क्या है। तो यहाँ पर 29 का जो मेरा बिल्कुल राइट आंसर बता देना चाहूँगा कि मार्शल जो है, जो कि विज्ञान के चारों ओर जो कि है चक्कर लगाता है मार्शल। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। 30वां क्वेश्चन है, करा मुद्रा के अस्थायी जो कि स्थायित्विक और जो कि गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया। तो ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में करा है रैगनर किप्रिस, ऑप्शन बी में पॉल एजिंग, ऑप्शन सी में मार्शल, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा के स्थायित्विक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया था, तो 30 का जो मेरा बिल्कुल राइट आंसर बता देना चाहूँगा कि ऑप्शन ए जो है, 30 का रैगनर प्रिंस जो है गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किया था रैगनर प्रिंस ने, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन करा साक का गुणक क्या होता है। तो साक का गुणक क्या होता है, तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में करा 1/ नगद कोष अनुपात, ऑप्शन बी में करा नगद गुने 1/ नगद कोष अनुपात, ऑप्शन सी में नगद गुने नकद कोष अनुपात, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो साक का गुणक क्या होता है, तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर है 31 का बता देना चाहूँगा कि ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1/ जो कि है नगद कोष का अनुपात होता है साक का गुणक। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर क्वेश्चन है, करा कि व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया गया ग्राहकों की जमा स्वीकार करना, ऑप्शन बी में ग्राहकों को कर देना, ऑप्शन सी में नोट निर्गम, और ऑप्शन डी में ए और केवल ए और बी दोनों। तो व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो यहाँ पर 31 का जो मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ग्राहकों की जमा स्वीकार करना भी एक व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य है, और ग्राहकों को कर देना कोई काम, ये भी एक जो कि है व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य होता है, यानी ए और बी जो कि है मेरा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 33वां क्वेश्चन है, करा निम्न में से किसका संबंध बैंकिंग सुधार से है। तो ऑप्शन ए में दिया गया 1991, ऑप्शन बी में नरसिंहम समिति, ऑप्शन बी सी में YB रेड्डी समिति, ऑप्शन डी में केवल ए और बी दोनों। तो निम्न में से किसका संबंध बैंकिंग सुधार से है, तो जो कि है 33 का जो मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा,
यहाँ एक ए और बी जो कि होगा 1991 भी जो कि बैंकिंग सुधार में हुआ था, बैंकिंग सुधार हुआ किया गया था 1991 में और नरसिंह सिंह समिति ने किया था, यानी ए और बी जो कि है राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, करा किस वर्ष में भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए में 1949 ईस्वी, ऑप्शन बी में 1955 ईस्वी, ऑप्शन सी में 1969 ईस्वी और ऑप्शन सी में डी में 2000 ईस्वी। तो किस वर्ष भारत में 14वें बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 34 का जो मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा, 1969 ईस्वी में जो कि है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, करा निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं? तो ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन ए में पूंजी की सीमांत क्षमता, ऑप्शन बी में ब्याज दर और ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं? तो 35 का राइट आंसर बता देना चाहूँगा कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। पूंजी की सीमांत क्षमता भी होता है, निवेश का निर्धारक घटक होता है, या ब्याज दर भी होगा, यानी ए और बी दोनों होगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36वां क्वेश्चन है, अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो गुणक के का क्या होगा? तो ऑप्शन ए में देखते हैं, ऑप्शन ए में 1/2, ऑप्शन बी में 0, ऑप्शन सी में 1, ऑप्शन डी में 2। तो अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो उसका गुणक के का मान क्या होगा? तो यहाँ पर जो कि 36 का राइट आंसर बता देना चाहूँगा कि ऑप्शन ए होगा 1/2 जो होगा, जो कि अगर 0.5 का गुणक है तो के का जो मान आएगा वो 1/2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37वां क्वेश्चन है, करा कि ग्रीन्स के अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में किस नाम से पुकारा जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए में पूर्ण रोजगार संतुलन, ऑप्शन बी में अपूर्ण रोजगार संतुलन, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीन्स के अर्थव्यवस्था में न्यून मार्ग की दशा को निम्नलिखित में किस नाम से पुकारा जाता है? तो 37 का मैं राइट आंसर बता देना चाहूँगा कि ऑप्शन सी जो होगा, ए और बी, पूर्ण रोजगार संतुलन भी एक अर्थव्यवस्था होता है और अपूर्ण रोजगार संतुलन भी एक अर्थव्यवस्था के नाम से पुकारा जाता है, यानी ए और बी जो कि हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38वां क्वेश्चन है, करा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन ए में दिया गया त्रिभुज बाई बटे त्रिभुज सी ट्रायंगल, यानी ऑप्शन बी में ट्रायंगल सी बाई ट्रायंगल वाई, ऑप्शन सी में ट्रायंगल वाई बर बटे ट्रायंगल वन, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निम्न में से कौन सा है? तो 38 का मैं राइट आंसर बता देना चाहूँगा कि ऑप्शन डी जो होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन में इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, करा कि गुणात्मक सांख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया ऋणों की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन, ऑप्शन बी में साख की राशनिंग, ऑप्शन सी में प्रत्यक्ष कार्यवाही और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो 39 का जो मेरा राइट आंसर बता देना चाहूँगा कि ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40वां क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो ऑप्शन ए में दिया गया आयकर, ऑप्शन बी में संपत्ति कर, ऑप्शन सी में उत्पाद कर, ऑप्शन डी में उपहार कर। तो निम्नलिखित में कौन जो कि अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? तो 40 का राइट आंसर बता देना चाहूँगा कि ऑप्शन ए हो जाएगा, आयकर जो होता है एक अप्रत्यक्ष कर होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है, करा कि ऐसे बी आई जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सीजन नहीं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में है राजस्व बी आई, ऑप्शन बी में पूंजीगत बी आई, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे बी आई जो सरकार के लिए किसी जो कि परिसंपत्ति का सीजन नहीं करते हैं उस बी आई को हम क्या कहते हैं? तो 41 का हम राइट आंसर बता देना चाहूँगा कि ऑप्शन सी हो जाएगा, उसे राजस्व बी आई भी कहेंगे या पूंजीगत बी आई भी कहेंगे, यानी ए और बी जो कि है हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42वां क्वेश्चन है, करा निम्न में से कौन राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा है? तो ऑप्शन ए में दिया गया अवस्फीतिकारी दबाव, ऑप्शन बी में जो कि स्फीतिकारी दबाव, ऑप्शन सी में दोनों, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो
राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा कौन होता है? तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर बता देना चाहूँगा कि ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी उसका दो खतरा होगा, अपस्फीतिकारी दबाव भी होगा और स्फीतिकारी दबाव यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, 43वां क्वेश्चन है, करा निम्न में से कौन सरकार द्वारा उधार लेने के कारणों की ओर को ध्यान आकर्षित करता है? तो ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए में राजकोषीय घाटा, ऑप्शन बी में प्राथमिक घाटा, ऑप्शन सी में राजस्व घाटा और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो 43 का जो मेरा बिल्कुल राइट आंसर बता देना चाहूँगा कि ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, 44वां क्वेश्चन है, करा निम्न में से कौन जो कि प्राथमिक घाटे का सही माप है? तो ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए में राजकोषीय घाटा माइनस राजस्व घाटा, ऑप्शन बी में राजस्व घाटा माइनस ब्याज का भुगतान और ऑप्शन सी में राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान, ऑप्शन सी डी में पूंजीगत व्यय माइनस राजस्व व्यय। तो 44 का जो कि मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, पूंजीगत व्यय माइनस राजस्व व्यय जो होता है एक प्राथमिक घाटे का सही माप होता है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में, 45 नंबर क्वेश्चन है, करा बजट निम्न में से कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन ए में दिया गया लैटिन शब्द, ऑप्शन बी में जर्मन शब्द, ऑप्शन सी में फ्रेंच और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बजट निम्न में से कौन सा शब्द होता है? तो 45 का मैं राइट आंसर बता देना चाहूँगा कि बजट निम्न जो होता है वो एक लैटिन शब्द होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में, 46वां क्वेश्चन है, करा निम्न में से भुगतान शेष की परिभाषा किसने दी? तो ऑप्शन ए में दिया गया मार्शल, ऑप्शन बी में बेनहम, ऑप्शन सी में क्रिंस, ऑप्शन डी में कैनन। तो निम्न में से भुगतान शेष की परिभाषा किसने दिया था? तो यहाँ पर 46 का जो मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिंस ने जो किया है दिया था, क्रिंस, क्रिंस, आप इसे याद रखेंगे। जो कि है भुगतान शेष की परिभाषा किसने दिया था? तो क्रिंस ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में, 47वां क्वेश्चन है, करा भुगतान शेष के अंतर्गत निम्न में से कौन सी मद्रे सम्मिलित है? तो ऑप्शन ए में दिया गया दृश्य मद्रे, ऑप्शन बी में अदृश्य मद्रे, ऑप्शन सी में है पूंजी पूंजी अंतरण, ऑप्शन सी में और डी में है उपयुक्त सभी। तो भुगतान शेष के अंतर्गत निम्न में से कौन सी मद्रे सम्मिलित है? तो 47 का जो मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा जो कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन तीनों ऑप्शन सही है, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में, 48 नंबर क्वेश्चन है, करा भुगतान संतुलन की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया क्रमबद्ध रेखा एक रिकॉर्ड, ऑप्शन बी में निश्चित समय अवधि, ऑप्शन सी में व्यापकता, ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो भुगतान संतुलन की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? तो 48 का जो मैं राइट आंसर बता देना चाहूँगा कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्रमबद्ध रेखा रिकॉर्ड भी होगा, निश्चित समय अवधि भी होता है और जो कि व्यापकता होता है, यानी भुगतान का ये सब जो कि संतुलन की जो कि विशेषता है, यानी उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में, 49 है, 49 नंबर क्वेश्चन है, करा पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया गया जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया एक पक्षीय अंतरण, ऑप्शन बी में निजी सौदे, ऑप्शन सी में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग, ऑप्शन डी डी में ए दोनों हो, ए और ए बी और सी दोनों। तो यहाँ पर जो कि 49 का जो मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ए और बी जो कि हो एक पक्षीय अंतरण भी और निजी सौदे जो होता है एक पूंजी खाते का अंतर्गत शामिल किया जाता है, यानी ए और डी हम बी और सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, विदेशी बी और सी, आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, करा व्यापार संतुलन का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए में दिया गया पूंजी का लेन देन, ऑप्शन बी में वस्तुओं का आयात एवं निर्यात और ऑप्शन सी में कुल क्रेडिट तथा डेबिट, ऑप्शन सी में डी में उपयुक्त सभी। तो 50 का जो मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी व्यापार का एक संतुलन अर्थ होता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन को दबाकर आप ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड मेरा कोई भी वीडियो होता है तो आपको मिलता रहेगा। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।